राजनीति पे कोई सवाल नहीं पूछे जाएंगे, ठीक है ना? मैं पहले ही बता रही हूँ, मैंने पेपर भी नहीं पढ़ाया आज, मैं दो चार दिन पहले। आई थिंक कि शॉर्ट फिल्म एक बहुत ही नया और अच्छा माध्यम है आजकल, जो सब लोग एक्सप्लोर कर रहे हैं। आई थिंक तकनीकी विकास के ज़माने में हम सबके अटेंशन स्पैन बहुत छोटे हो गए हैं, इसलिए नॉवेल्स की जगह शॉर्ट स्टोरीज़ और बड़ी बड़ी लंबी फिल्मों की जगह शॉर्ट फिल्में ज़्यादा पसंद आ रही हैं दर्शकों को। सो आई थिंक इट्स अ न्यू मीडियम एंड इट्स वेरी एक्साइटिंग दैट रिचा इज़ एक्सप्लोरिंग दिस मीडियम एंड नॉट एज एन एक्टर बट एज अ प्रोड्यूसर। सो ऑल गुड विशेज टू हर फॉर दैट। आई थिंक कि बहुत कमाल की बात है, रिचा अच्छी दोस्त है मेरी और बहुत ही काबिल लड़की है, एंड आई एम श्योर कि एज अ प्रोड्यूसर वो जितनी अच्छी एक्ट्रेस है उतनी अच्छी प्रोड्यूसर भी बनेगी। सो ऑल गुड विशेज टू हर। टू बिकम प्रोड्यूसर? नहीं, मेरे पास इतने पैसे नहीं है, मैं कोई प्लान नहीं है मेरा प्रोड्यूसर बनने का। आई एम वेरी हैप्पी एज एन एक्टर। एक्टिंग शॉर्ट फिल्म मैंने करी है, एक दो शॉर्ट फिल्में जो एक्चुअली काफ़ी वक्त पहले करी थी, अब वो सब इंटरनेट पे आ गई हैं। आई थिंक दैट इफ आई मीन आई ऑलवेज से कि एक एक्टर के लिए कोई भी कहानी कहानी है, चाहे वो शॉर्ट फिल्म हो या लंबी फिल्म हो या फीचर हो या टेलीविजन हो, इट्स नॉट लाइक हमारी एक्टिंग बदलती है। तो अगर कोई अच्छी कहानी और अच्छा डायरेक्टर मिले तो मैं ज़रूर, क्यों नहीं, ज़रूर करूँगी। वेब सीरीज़ तो कर ही रही हूँ, सो वाई नॉट। जैसे मुझे Thank you.